So guys, welcome back to our channel. It's not my channel only, it's our channel @SimonaVlogs. तो कैसे हैं आप सब, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. आज का वीडियो नॉर्मल वीडियोस के रिगार्डिंग थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, सो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप थोड़ा कुछ लेके बैठे ताकि आपको बोरिंग ना लगे. और आपको स्किप करने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही नहीं बेसिकली, बिकॉज मैं कोई फालतू बातें नहीं करने वाली हूँ. इट जस्ट कि इट्स अ हॉल, ठीक है, ह्यूज हॉल. सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर, मेकअप. इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, पर्पल गुड वाइब्स कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है. ये था कि लॉकडाउन में काफ़ी सारा सामान ख़त्म हो चुका था, तो हम लोगों ने, मतलब मैंने और मेरी मम्मी ने इकट्ठा ही खूब सारा सामान ऑर्डर कर लिया, तो अब वही हॉल में आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सो चलिए शुरुआत करते हैं. नाउ अभी आप जितना भी सामान देखोगे इस हॉल वीडियो में, वो बिल्कुल भी बॉक्स में नहीं है. हमने अलग अलग जगह पे, जहाँ पे भी हम अपना स्किन केयर रखते हैं, हमने हर जगह उसको सेट कर दिया है. बिकॉज जब भी सामान आता है, स्पेशली जब ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं, देन मतलब एक अलग अजीब सी मतलब होती है ना कि क्यूरियोसिटी की, मतलब कैसा सामान आया है, क्या क्या आया है. भले हमें पता है कि क्या आया है, बट स्टिल मैं एक यूट्यूबर हूँ, बट स्टिल तो मैंने भी शूट कर रखे हैं. तो ये पूरा हमने अनबॉक्सिंग क्लिप मैं आपको लगा दूँगी, देख रहे होगे आप इस टाइम पे अभी, है ना. तो एक और चीज़ मुझे बोलनी थी कि जो लोग भी डर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी वायरस के टाइम पर शॉपिंग ना करें, आई नो एंड आई जेन्युइनली अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन. लेकिन जो भी आपको ज़रूरी सामान है, आप वो मंगवा सकते हो. फालतू खर्चा मत करवा भले, लेकिन इम्पॉर्टेंट आइटम्स, एसेंशियल्स जो है, आप उसको मंगवाइए. बिकॉज बॉक्स के अंदर पूरा सैनिटाइजेशन कर रखा होता है उन्होंने, उसमें मेंशन होता है दैट दिस बॉक्स इज सैनिटाइज्ड. आप देख रहे होंगे पिक्चर पे, मैंने मेंशन कर दिया स्क्रीन पे पिक्चर और वीडियो अनबॉक्सिंग के टाइम पर. तो अनबॉक्सिंग आपने फटाफट आपको करके दिखा दी, अब क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपको भी बता देती हूँ, ठीक है. तो शुरुआत करते हैं, मैं रैंडमली पिक करने वाली हूँ एंड अभी मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ. तो बेसिकली ये है वो किट, मैंने मतलब आधी जगह पे, आधे बॉक्स पे मैंने पाउडर्स रखे हैं, आधी पे सारा सामान रखा है जो भी परसों तरसों आया है वही सब. सो या इसमें कुछ कुछ मेकअप का सामान है और कुछ कुछ स्किन केयर का है, तो मैं रैंडमली पिक करने वाली हूँ. तो पहला तो है ये गुड वाइब्स का बनाना शाइन शैम्पू. ना मेरे बाल एक्सट्रीमली ड्राई हैं एंड इवन तो उसमें रिव्यूज़ आ रहे थे, मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे पर्पल पे कि ये हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है. तो आई वॉज लाइक चलो ट्राई करके देखते हैं, अच्छा लगेगा तो एंड आई विल कंटिन्यू इट. सो एक तो ये शैम्पू है बनाना का. नाउ ये काफ़ी पुराना प्रोडक्ट हो चुका है, आई थिंक हर यूट्यूबर ने इसके बारे में बताया है, शेयर करा है, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट टाइम है मैं इसको ट्राई कर रही हूँ. सो उसके बाद ये है मेरा एलोवेरा वाला फेस वॉश, हाइड्रेटिंग फेस वॉश. मेरी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है और मैंने अपने स्किन केयर का भी आपको दिखाया था, स्किन केयर का वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा. काफ़ी सही वाला फेस वॉश मुझे लगा, भले ही मुझे 3 दिन हुए हों या 2 दिन, बट लेकिन आई जेन्युइनली लव दिस फेस वॉश. कुछ भी प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मैं यूज़ करती हूँ वही मैं आपको बता दे रही हूँ. तो ये था, तो हमने ऑलरेडी चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि मैं हम फटाफट आपके संग रिव्यू शेयर कर पाएँ. तभी मुझे काफ़ी ज़्यादा डिले होता गया हॉल वीडियोज़ में. उसके बाद फिर मम्मी ने मंगवाया था ये लोटस का, ये मम्मी काफ़ी टाइम से यूज़ करती है, मम्मी की पुरानी वाली बॉटल है. आप देखोगे तो ये मम्मी की पुरानी वाली बॉटल है, न्यू बॉटल रखी है इस पर. तो मेरी मम्मी को ये बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा. तो ये आप देखोगे तो ये मम्मी की पुरानी वाली बॉटल है, न्यू बॉटल. अभी हमने ओपन भी नहीं करा है इसको. सो माई मदर लव्स दिस प्रोडक्ट. इसका पर्सनल रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है. उसके बाद पर्पल ने हमें फ्री गिफ्ट्स भी दिए हैं. ना फर्स्ट गिफ्ट तो था, क्योंकि हमारा बजट हो रहा था लगभग 3100 के आसपास, हमारा प्रोडक्ट हो रहे थे 3200 के आसपास. तो पर्पल ने हमें काफ़ी सारे फ्री गिफ्ट्स दिए. एक तो ये लेवेंडर एसेंशियल ऑयल पर्पल ने हमें फ्री में दिया, एक हमें नेल पेंट दी फ्री में, पिक्चर आप देख लेना, है ना. अभी मेरे पास है नहीं एक्चुअली, पता नहीं कहाँ रख दी, नहीं है ये रे. और एक सैनिटाइजर दिए, जो मैंने कल अपनी स्टोरी भी लगाई थी सुमाना व्लॉग्स पे. और जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं सुमाना व्लॉग्स को, प्लीज़ जाके फॉलो करो इंस्टा पे, एफ बी पे. ये नेल पेंट फ्री में दी थी पर्पल ने हमें, और एक सैनिटाइजर जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है ना. ये तो बात करने हमने कर ली सब. उसके बाद ये है वीटजम ऑयल, ये मैंने मंगवाया था मई में, मई के टाइम पे भी हम शॉपिंग करी थी, मैंने आपको भी बताया जैसे कि. उसके बाद फिर पर्पल ने हमें शीट मास्क दिए थे मई वाली शॉपिंग पे, है ना. तो उस पर हमें क्या, हमें बहुत अच्छा लगा. पर्पल ने हमें फ्री गिफ्ट दिया मई के वाली, मई वाली शॉपिंग पे शीट मास्क. तो हमने 2 शीट मास्क और मंगवा लिए,
क्योंकि हमें बहुत पसंद आया। मैंने वीडियो भी अपलोड करा था, उस वीडियो को भी आप आई बटन पर देख लेना। तो ये दो शीट मास्क है, दोनों एक ही वेरियंट के हैं। ये है एन वाई बे स्किन फिडेंट स्मूदनिंग शीट मास्क विथ एग वाइट एंड लेमन। सो ये दोनों आप देख लो, है ना। मैं फटाफट फटाफट मुझे बोलना पड़ रहा है। एक है ये फेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट, अभी हमने इसको ओपन नहीं करा है। उसके बाद है ये सैंडलवुड पाउडर, इसको तो मैंने इस्तेमाल भी कर लिया, शुरू कर दिया। आप देखो मैंने इसको ओपन भी कर लिया है। उसके बाद हमने फिर मंगवाया ये आम बहल्दी, ये आम बहल्दी हमने मंगवाई। अभी हमने इसको ओपन नहीं करा बिकॉज हल्दी हमारे पास अभी ऑलरेडी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बची है। उसके बाद फिर हमने मंगवाया यहाँ पे दो हाइलाइटर्स, एक है ये वेट एंड वाइल्ड का, ये मम्मी बहुत टाइम से इसको इस्तेमाल करती है, तो मम्मी को जो इस्तेमाल करी थी ख़त्म हो गया था, वो मम्मी ने वो मंगवाया दोबारा। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद ये है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, और एक और हाइलाइटर मम्मी ने मंगवाया था, इट्स फ्रॉम स्विस ब्यूटी। हाँ, तो ये मम्मी ने तो ये दो हाइलाइटर मंगवाए, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये मंगवाई एक नेल पेंट, दो नेल पेंट मंगवाई थी स्पेशली, लेकिन हमारे पास अब तीन होने को आ गई है। तो एक तो ये फ्री वाली थी, एक ये पिंक वाली हमने मंगवाई, और अभी एक आने को रह गई है, वो ब्लू कलर की है। तो आई जस्ट लिटरली पोलका डॉट्स जो बने ना इसमें, यार बहुत सही वाली पैकेजिंग मुझे इसकी लगी। रिव्यूज़ बहुत जल्दी आने वाले हैं। और मैंने हमने को चाहिए थी पॉन्ड्स बीबी क्रीम, लेकिन पर्पल में पॉन्ड्स बीबी क्रीम अवेलेबल नहीं थी, तो हमने ये मंगवाई स्टे क्विकी की। एंड मेरी मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई इस प्रोडक्ट से, बिकॉज उन्होंने हल्का सा ट्राई करा हाथ पे, एंड दे वर लाइक कि बहुत शाइन आ गई है, बहुत ग्लो आ गया, तो काफ़ी अच्छा लगा। एक तो ये हो गया है ना। उसके बाद सनस्क्रीन, नाउ ये मेरी मम्मी यूज़ करती रहती है सनस्क्रीन का, रिव्यू मेरे चैनल पे है, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे। ओके, ये है डी पिगमेंटेशन टिंटेड फॉर्मूले वाली, तो मेरी मम्मी को पसंद है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट। उसके बाद और क्या है, और हाँ, और एक ये लिपस्टिक है, ये वेट एंड वाइल्ड की तरफ से, ये भी हमने मंगवाई थी। एक और लिपस्टिक आने को हमने मंगवाई थी, वो थी बेला वॉस्टी की, लेकिन वो कुछ ना कुछ इशू हो गया, तो पर्पल ने उसको वापस भेज दिया। अब उसके बाद हमने उसको दोबारा ऑर्डर करा है, उसका भी हॉल वीडियो लेके आने वाली हूँ मैं। मेरे अकॉर्डिंग बस इतना ही सामान था। ओके, तो कैसा लगा मेरा ये हॉल वीडियो? नाउ एक मिनट, अब जब मैं हॉल वीडियो शेयर करी रही, तो अब मैं आपके संग इनके बारे में भी शेयर कर देती हूँ। ये है एसेंशियल ऑयल्स फ्रॉम एल्स गुडनेस। नाउ बेसिकली इसको मंगवाया था हमने मई में, मैंने आपको बताया, ठीक है। पहला है ये टर्मरिक ऑयल, हमने ऑलरेडी शुरुआत काफ़ी टाइम से हमने स्टार्ट कर दिया इसको इस्तेमाल करना, तो रिव्यू बहुत जल्दी आने वाला है। ये टर्मरिक ऑयल है, ये यूकेलिप्टस ऑयल है, ये तो मम्मी ने बहुत पहले से इसको मंगवा रखा है, ये मम्मी को बहुत पसंद है यूकेलिप्टस ऑयल। टी ट्री ऑयल है, तो ये दोनों ऑयल्स हमने इस्तेमाल कर रखे हैं। सारे ऑयल्स काफ़ी बढ़िया आए हैं, लौंग का तेल भी है, लौंग का सेंचुरल ऑयल भी है, दालचीनी वाला काफ़ी ख़तरनाक सा है थोड़ा सा। उसके बाद ये है पेपरमिंट का, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गया है, बहुत सही प्रोडक्ट है ये। मतलब अब ख़त्म होता है हमारा हॉल वीडियो मेरे अकॉर्डिंग, तो उसके मैं कुछ भूल गई हूँ, पता नहीं क्या भूल गई हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और दिस ब्लॉग। पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। We'll meet you soon in the next video. Or follow Akrosumana Vlogs ko. Bye bye.